और अब समय है हमारे परम आदरणीय मुख्य अतिथि के उद्बोधन से लाभान्वित होने का, जिन्होंने छोटे से गांव से देश के सर्वोच्च पद का सफर तय किया, जो देश की जीवंत लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रतीक हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में अपने वयोवृद्ध शिक्षकों के चरण स्पर्श कर एक अद्भुत आदर्श स्थापित किया, परम आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी। सबसे हंसकर मिलने वाले, इनको किसी से बैर नहीं। सबसे हंसकर मिलने वाले, इनको किसी से बैर नहीं। दुनिया है महबूब इन्हें और ये दुनिया को प्यारे हैं। परम आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति भारत श्रीमान रामनाथ कोविंद जी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद पवार जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, भारत सरकार में वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ जी, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री विनय कुमार सक्सेना जी, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश नारायण सिंह जी, लोकमत मीडिया समूह के अध्यक्ष श्री विजय दर्डा जी, लोकमत मीडिया समूह के प्रधान संपादक श्री राजेंद्र दर्डा जी, इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य सांसदगण और विशिष्टगण, देवी और सज्जनों, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होने के नाते बहुत बड़ा धर्म संकट होता है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार रखे और सचमुच में उन विचारों में मैं भी अपने विचारों को समाहित करता हूँ, लेकिन फिर भी एक पद की मर्यादा है और उसको ध्यान में रखते हुए मैं अधिक से अधिक जितना संक्षिप्त हो सकता है मैं उसमें अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा। आज आप सबके बीच यहाँ उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई है। आज का ये लोकमत संसदीय पुरस्कार समारोह वरिष्ठ और प्रभावी सांसदों के योगदान को सम्मानित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। आज लोकमत संसदीय पुरस्कार से सम्मानित होने पर श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री डेरिक ओब्रायन, श्रीमती वंदना चव्हाण, प्रोफेसर मनोज कुमार झा, श्री भर्तृहरि माहताब जी, श्री असुद्दीन ओवैसी, श्रीमती लॉकेट चटर्जी और श्री एल एस तेजस्वी सूर्या, आप सभी को मैं हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूँ। आप सभी ने संसदीय गरिमा को अक्षुण रखते हुए अपने ज्ञान और विवेक के द्वारा संसद की कार्रवाई को समृद्ध किया है। आपने अन्य सांसदों के लिए अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत किए। लोकमत द्वारा सर्वोत्तम योगदान देने वाले ऐसे सांसदों को सम्मानित करने की ये परंपरा अत्यंत सराहनीय है। इसके लिए लोकमत ग्रुप तथा इस प्रक्रिया से जुड़े सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि लोकमत समूह संसदीय पुरस्कार के अलावा सरपंच अवार्ड और लोकमत विधि मंडल अवार्ड भी प्रदान करता है। मैं चाहूँगा कि लोकमत समूह की तरह देश के अन्य मीडिया हाउस तथा सामाजिक संगठनों को भी देश के सांसदों, विधायकों तथा अन्य जनप्रतिनिधियों के सार्वजनिक योगदान तथा उनके आचरण का मूल्यांकन कर इस प्रकार के पुरस्कार देने की परंपरा को अपनाना चाहिए। देवी और सज्जनों, लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत के लिए नई नहीं है। ऋग्वेद में सभा और समिति के उल्लेख मिलते हैं। बौद्ध सभाओं में संसदीय प्रणाली के नियमों को अपनाया गया था और प्रस्ताव, सचेतक तथा निंदा प्रस्ताव जैसे
शब्दों का उपयोग होता था। बुद्धकालीन राजनैतिक व्यवस्था के इतिहास में वज्जी, लिच्छवी, मल्ल, शाक और मौर्य तथा अन्य गणराज्यों के प्रमाण मौजूद हैं। लिच्छवी सभा का अधिवेशन जिस भवन में होता था वह संस्थागार कहलाता था। इतिहासकारों का अनुमान है कि उस संस्था में सभी निर्णय जनता के नाम पर लिए जाते थे। दक्षिण भारत में भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित शासन व्यवस्था के प्राचीन उदाहरण मिलते हैं। आरंभ से ही जनजातीय व्यवस्थाएं भी लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित रही हैं। इसलिए लोकतंत्र की प्राचीनतम परंपरा वाले विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में सांसद होने के नाते आप सबकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। पिछले 7 दशकों की अवधि में अर्थात पिछले 75 वर्षों में भारत के लोगों ने लोकतांत्रिक प्रगति की एक अविश्वसनीय गाथा लिखी है, जिससे संपूर्ण विश्व में भारत का अद्वितीय स्थान है। इतनी छोटी अवधि में इतने बड़े देश में जिसकी जनसंख्या दुनिया में सबसे अधिक हो, एक वैश्विक मुकाम हासिल करना अत्यंत कठिन था, परंतु हमारे देश ने इस दुर्लभ लक्ष्य को भी हासिल कर विश्व पटल पर भारत को अग्रिम देशों के साथ खड़ा किया। मेरा मानना है कि भारत की विकास यात्रा में संविधान द्वारा प्रदान की गई लोकतांत्रिक व्यवस्था का गहरा योगदान है। देवियों और सज्जनों, लोकतंत्र की सबसे बड़ी बात यह है कि इस व्यवस्था में सामान्य जन से जुड़ने का भरपूर अवसर प्राप्त होता है। यहाँ पर उपस्थित सभी सांसदगण जानते हैं कि संसद में जो आज उन्हें कार्य करने का अवसर मिला है तो उसकी वजह है जनता द्वारा उनका चुनाव में चयनित किया जाना। चुनाव में चयनित होने का अर्थ अत्यंत गहरा होता है। इसका अर्थ है आम जनमानस की इच्छा और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ना। सांसद सही मायनों में जन आकांक्षाओं के प्रतिनिधि होते हैं। जनता का प्रतिनिधित्व करना उनका उद्देश्य है और परम धर्म भी। एक सफल सांसद वही होता है जो अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों के सुख दुख में हिस्सा बनता है। देवियों और सज्जनों, हमारे संविधान निर्माताओं ने आम आदमी के विवेक में अटूट विश्वास रखते हुए हमारे लोगों में साक्षरता की कमी और ऐसी कई आशंकाओं के बावजूद उन्हें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार दिया। किसी अन्य लोकतंत्र ने आरंभ से ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान नहीं किया। 16 जून 1949 को जब ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉ. बाबा साहब आम्बेडकर ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया तो इसे बिना किसी प्रतिरोध के सर्वसम्मति से पारित किया गया था। इस संदर्भ में ये विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में महिलाओं को लंबे संघर्ष के बाद मतदान का अधिकार मिला था, लेकिन हमारे देश में शुरू से ही महिलाओं को भी पुरुषों की भांति वोट देने का अधिकार दिया गया। भारतीय लोकतंत्र की आत्मा हमारी संसद में बसती है। संभवतः इसीलिए संसद को लोकतंत्र का मंदिर भी कहा जाता है। सांसद केवल किसी एक दल या संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधि नहीं होते, वे हमारे संवैधानिक आदर्शों के संवाहक होते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका या प्रीएम्बल में जनता की संप्रभुता स्पष्ट की गई है, जिसमें कहा गया है कि हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हम भारत के लोग ही सचमुच में लोक हैं, जो हमारे लोकतंत्र के न केवल जनक हैं बल्कि उसके संरक्षक भी हैं। देवी और सज्जनों, आप सभी सांसदगण करोड़ों देशवासियों की आशाओं और आकांक्षाओं के प्रति उत्तरदायी भी हैं। यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देश की जनता, विशेषकर गरीब जनता, अपने प्रतिनिधियों की ओर बहुत उम्मीद से देखती है। गरीब और वंचित लोग ये आस लगाए रखते हैं कि उनके सांसद उनके तथा उनके बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास करेंगे। इसीलिए सामान्य जनता ये देखना चाहती है कि उसके प्रतिनिधि सदैव उसके कल्याण में कार्यरत रहें। जनता यह भी अपेक्षा करती है कि
कि संसद में उनकी कठिनाइयों के समाधान तथा देश के विकास पर चर्चा हो। उनकी आशाओं पर खरा उतरना ही हमारी संसदीय व्यवस्था की सफलता की कसौटी है। जनमानस की अपेक्षाओं के अनुरूप आचरण करने में ही संसदीय लोकतंत्र की मर्यादा है। देवियों और सज्जनों, वास्तव में ग्राम सभा, विधानसभा और संसद के निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक ही प्राथमिकता होनी चाहिए, वह है लोक कल्याण और राष्ट्र के हित के लिए काम करना। संभवतः आज यहाँ पुरस्कृत सांसदों के मन में भी यही भावना रही होगी जिसके लिए आज उन्हें सम्मानित किया गया है। मैं सभी पुरस्कृत सांसदों को इस अवसर पर अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा दिखाते हुए कार्य करने के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ। मैं लोकमत समूह द्वारा इन पुरस्कारों के माध्यम से उत्कृष्ट कार्य करने वाले सांसदों को सम्मानित करने के लिए भी बधाई देता हूँ। उनकी इस पहल से न सिर्फ अच्छे कार्य करने वाले सांसदों को पुरस्कृत किया जा रहा है, बल्कि इससे अन्य सांसदों को भी श्रेष्ठतम काम करने का प्रोत्साहन मिलेगा। अंत में मैं एक बार पुनः सभी पुरस्कृत सांसदों को हार्दिक बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी इसी प्रकार देश की प्रगति के लिए कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय श्रीमान रामनाथ कोविंद जी।